दोस्तों एक ऐसा बैकअप या फिर एक ऐसा स्टोरेज जो कि सेफ है, सिक्योर है और सबसे बड़ी बात अनलिमिटेड है और फ्री है। मैं बात कर रहा हूँ गूगल फोटोज की, जिसके अंदर अभी के समय में 4 ट्रिलियन फोटोज और वीडियोस अभी के समय में अपलोडेड हैं और हर वीक अपलोड होता है 28 बिलियन फोटोज और वीडियोस गूगल फोटोज के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनलिमिटेड है और ये फ्री है। लेकिन मैं आपको ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आने वाले समय में आपको ये फ्री नहीं मिलने वाला है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आप अपने डेटास को अपने सिस्टम के अंदर भी रखते हैं या फिर अपने हार्ड डिस्क के अंदर भी रखते हैं, अगर वो हार्ड डिस्क फुल हो जाता है तो आपको एक नया हार्ड डिस्क परचेज करना पड़ता है ताकि आप अपने और डेटास को नए वाले हार्ड डिस्क में सेव कर सके। तो यहां पे आपको कॉस्ट पे करना पड़ गया नए हार्ड डिस्क परचेज करने में। इसी तरह से अगर आप कोई भी डेटा गूगल के अंदर स्टोर करते हैं तो वहां पे गूगल के पैसे खर्च होते हैं ताकि आपका डेटा वहां पे सेफली सिक्योरली वहां पे स्टोर हो सके, जब भी आपको चाहिए आप वहां से अपने डेटा को फेच भी कर सकें। और अगर ये सारा कुछ फ्री ही रहेगा तो गूगल का जो ड्राइव है या फिर गूगल का जो वन है अभी के समय में, जहां पे कि आपको स्टोरेज ये पेड स्टोरेज देते हैं गूगल वाले, वो आप कभी भी परचेज नहीं करेंगे। तो इन सारी वजहों से आपको आने वाले समय में अपने फोटोज को या फिर अपने वीडियोज को अपलोड करने के लिए गूगल फोटोज के अंदर पे करना पड़ेगा। और इसके जो भी कंडीशंस हैं वो आप वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ मैं इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अगर आप गूगल फोटोज यूज करते हैं तो आपके पास मेल आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप यहाँ पे देख ले, आपके पास कुछ ऐसा मेल आएगा जिसमें की सारी जानकारी आपके पास पहुंचा दी जाएगी गूगल की तरफ से। नेक्स्ट ईयर 1 जून 2021 से आपको पे करना होगा गूगल फोटोज के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी अकाउंट गूगल के अंदर क्रिएट करते हैं तो आपको मिलता है फ्री 15 GB का स्टोरेज। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा इस चीज का, लेकिन आपको 15 GB छोड़ के आपको गूगल फोटोज के अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो आपका 15 GB के अंदर नहीं आता है, वो आपका अनलिमिटेड हो जाता है। इसके अंदर आपकी जितनी मर्जी आप उतने फोटोज आप उतने वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन यहां पे ये कैच है कि यहां पे अगर आप 15 GB वाले के अंदर डाल रहे थे तो यहां पे आपकी जो क्वालिटी थी वीडियो की या फिर आपके फोटोज की वो आपका ओरिजिनल क्वालिटी रहेगा, लेकिन जब ये अनलिमिटेड वाले में आप डाल रहे थे तो यहां पे ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, जो कि हाई क्वालिटी के नाम से आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपने जो भी फोटोज या फिर आपने जो भी वीडियोस को अपलोड कर रखा है 1 जून 2021 से पहले उनका क्या होगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपने फोटोज या फिर आपने वीडियोस जो भी 1 जून 2021 से पहले अपलोड कर रखा है वो आपका काउंट होगा अनलिमिटेड वाले प्लान के अंदर ही, लेकिन आपने जो भी फोटोज 1 जून 2021 से अपलोड करना शुरू किया है वो आपका जाएगा 15 GB वाले फ्री डेटा के अंदर। यानी कि गूगल फोटोज अब आपका अनलिमिटेड और फ्री नहीं रह गया है, आपका जो भी फोटोज है या फिर आपके जो भी वीडियोज हैं वो आपके स्टोरेज को भरता रहेगा, आपका जो भी 15 GB का स्टोरेज आपको मिलता है जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस समय तब। यानी कि आपको अपने स्टोरेज को ढंग से खर्च करना होगा, इसके अंदर कौन से फोटोज या फिर कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आपको देखना होगा। तो इसके लिए भी गूगल कुछ ऐसा निकालेगा ताकि आप इसके अंदर स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकें, स्टोरेज को मैनेज कर सकें। लेकिन जिनका भी अकाउंट 2 साल से ज्यादा का हो गया है, जो कि अभी तक उस पे एक्टिव नहीं है, जो उसका यूज नहीं कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने फोटोज डाल के छोड़ दिया, तो उनका अकाउंट यहां पे बंद कर दिया जाएगा, उनका अकाउंट यहां से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्हें पहले मेल भी किया जाएगा, अगर फिर भी वो इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर उनके अकाउंट को यहां से इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट को यहां से हटा दिया जाएगा। यहां पे गूगल ये चाह रहा है कि आप जब भी अपने फोटोज या फिर वीडियोस को अपलोड करें, जब आपके फ्री दिए हुए स्टोरेज यहां पे फुल हो जाए, 15 GB यहां पे जब आपका फुल हो जाए, उसके बाद आप गूगल का पेड स्टोरेज यहां से परचेज करें। तो यहां पे जो भी इसके प्लान है गूगल वन के अंदर वो आप यहां पे देख सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स को और या फिर आप अपने फ्रेंड को भी यहां पे ऐड कर सकते हैं, और साथ में ये सेफ और सिक्योर तो रहता ही है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने फोटोज या फिर अपने वीडियोस को बहुत संभाल के रखते हैं तो आप यहां पे इनके प्लान्स को देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये परचेज भी किया जा सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद का अपना एक सर्वर या फिर खुद का एक हार्ड डिस्क बनाते हैं तो आपको ये समय समय पर यहाँ पे चेक करना रहता है, साथ में इसके पीछे पावर सप्लाई चाहिए होती है, अगर आपका सर्वर है घर के अंदर तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपका मेहनत सारा कुछ लगा के इससे ज्यादा ही आपको लग जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फैमिली के लिए 2 TB मेमोरी फोटोज और वीडियोस के लिए काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।